खबर चंपावत से यूकोस्ट और डीएनए लैब्स देहरादून द्वारा आयोजित कृत्रिम बुद्धिमता कार्यशाला का शुभारंभ। जिला चंपावत के अटल उत्कृष्ट शहीद राहुल रेसवाल राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिन का कार्यशाला का उद्घाटन यूकोस्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत और विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेद सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत, उदयन इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और यूनिवर्सल ग्रीन इंटर कॉलेज के लगभग 100 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर दुर्गेश पंत ने वर्तमान समय के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सरल शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क की समस्या समाधान और निर्णयकारी क्षमताओं के अनुकरण हेतु कंप्यूटर और मशीनों का लाभ उठाती है। इसे सोचने, समझने, विश्लेषण करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग के स्थान पर कंप्यूटर से किया जाता है। इसके माध्यम से पुलिस व्यवस्था, कृषि, जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में बहुत से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। 76 देशों ने मिलकर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को मान के इसको, ये जो मिलेट वर्ष है मोटे अनाज का, तो इसका मतलब विक्रम हो रहा है। ये ग्राम चौपाल है, अगर ये ग्राम चौपाल है उसका अर्थ ये होता है कि बातचीत हो। अभी जितनी चीजें होंगी इसी में से आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई मसला है, कोई देखिए, कोई भी जो मॉडल जनपद होता है उसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक आधार पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके लिए जो देश की शस्त्र संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो इस समय चंपावत में लगातार कार्य कर रही हैं। उसमें से एक जो देश की जो 37 हमारी CSIR की देश में प्रयोगशालाएँ हैं जो बहुत विख्यात हैं, उसमें से एक IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून में स्थित है। वो आज उन्होंने यहाँ पर ग्राम चौपाल लगाई है। आशा ये है कि रसोई से लेके, हमारे डीजल पेट्रोल से लेके, शिक्षा से लेके, ईंधन से लेके, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नए नए प्रयोग हैं, अभिनव जो उन्होंने आज तक के कार्य किए हैं, उसको लैब से लैंड में उसको परिवर्तित करें और चंपावत में उसका अनुप्रयोग करें। इसके लिए आज की ये बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई है, जो आप देख रहे हैं कि इतने इसमें जिला स्तर के भी अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, जो तमाम जगह से आए हुए हैं और विद्यार्थी हैं और यहाँ की जनता है। आशा यह है कि इस प्रयोगों को किया जाए, पहली बात तो एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर ये मॉडल जनपद जिसके लिए है, अगर ये मॉडल जनपद को इसी कार्य, जो इसकी कार्य प्रणाली है, जो इसका जो मॉडल बन रहा है, यही राज्य के अन्य जनपदों में इसको दोहराया जाएगा, यह है, और फिर हिमालयी राज्यों में इसको दोहराने के लिए चंपावत में इस समय प्रधानमंत्री जी का जो उनके साइंटिफिक एडवाइजर का कार्यालय है वो लगातार यहाँ कार्य कर रहा है यूकोस्ट के साथ में, तो इसको अन्य राज्यों में भी दोहराए जाने की जो प्रक्रिया है वो की जाए। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।